था कि मनाली टूर के ऊपर मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और कुछ कुछ बातें बताऊं जो आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है। हम जयपुर जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो मैंने पूछा भाई रजाई, वो बोला भाई मैं नहीं लेके आया। तो मैंने बोला यार मैं भी नहीं लेके आया। इस कंफ्यूजन के चक्कर में जो हमारा सफर था जयपुर और चंडीगढ़ के बीच का, वो बहुत ही भयंकर तरीके से गुजरा। हुआ क्या, ये मुझे कब पता लगा आसिफ से, जब वो ट्रेन जयपुर रेलवे स्टेशन से जब निकल गई तो मैंने उससे थोड़ा दूरी पे जाके, जब मुझे ठंड लगने लगी तो मैं आसिफ के पास आया, बोला भाई रजाई किधर है। बोला रजाई तो मैं नहीं लेके आया, रजाई तो तू लेके आया। मैं बोला मैं भी नहीं लेके आया भाई। अब भाई दोनों की हालत खस्ता और सर्दी पड़ रही थी दिसंबर की बहुत भयंकर। अब चंडीगढ़ के तक हम लोग ठिठुरते हुए धूसते हुए हम लोग चंडीगढ़ पहुंचे सुबह 6:30 को, और हालत हो गई बहुत खराब। अब हालत खराब तो हो गई तो हम लोग चंडीगढ़ उतरे। मैं बोला यहाँ पे रुकना अच्छा नहीं है, बहुत सर्दी पड़ रही थी चंडीगढ़ के अंदर। तो मैंने आसिफ को बोला आसिफ ऐसा करते हैं अपन सीधा जाते हैं बस डिपो चंडीगढ़ के। तो हम लोग सीधा निकल के बस डिपो, बस डिपो जाने के बाद हमने फटाफट, हम थोड़ा सा भी वेट नहीं किया और शिमला की बस हमें मिल गई। हम लोगों ने टिकट कटवाया, थोड़ा बहुत नाश्ता पैक करवाया चंडीगढ़ बस डिपो से, बस स्टेशन से थोड़ा बहुत नाश्ता पैक करवाया और हम निकल गए शिमला के लिए। शिमला जाने के बाद हम लोगों, शिमला तक का सफर जो था वो हमारा बहुत ही अच्छा था, मतलब बस का था, लेकिन बहुत टाइम लगा क्योंकि चंडीगढ़ और शिमला के बीच की दूरी बहुत ही दूर है। तो पहाड़ों की वजह से जो बसें होती है वो थोड़ा स्लो चलती है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है चंडीगढ़ से शिमला पहुंचने में। जैसे कैसे करके भी हम लोग पहुंच गए, क्योंकि शिमला तक पहुंचते पहुंचते हमारी हालत खराब हो चुकी थी। वो मैंने आपको बताया था कि हम लोग ट्रेन में रजाई भूल के आए, तो हालांकि नींद कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा थक गए। तो हम लोग शिमला पहुंचने के बाद हम लोगों ने थोड़ा उस दिन भर, पूरे दिन हम शिमला पहुंच गए शायद 3 या 4 बजे दोपहर में, शाम के 4 बजे हम लोग शिमला पहुंच गए थे। जब हम शिमला पहुंचे, जैसे हम बस से नीचे उतरे तो वहां पे नया नाटक चालू हो जाता है। आपको पता है होता क्या है, जैसे आप बस से नीचे उतरोगे तो ये जो होटल लोगों से मिले हुए जो दलाल होते हैं जो आप लोगों को रूम वगैरह दिलाते हैं, उनका क्या है सेटलमेंट होता है होटल वालों के साथ कि भाई मैं इतने बंदे लाऊंगा तो तुम मुझे इतने पैसे देना। तो सबसे पहले आप लोगों को उनसे बचना है, क्योंकि हमारे साथ ऐसे ही हुआ। अब ये तो क्या है, मेरे साथ मेरा दोस्त आसिफ था, वो आसिफ इस मामले में सबसे तेज है क्योंकि उसको पता है कि अपन अपने खुद के हिसाब से देखेंगे तो फायदा है, बेनिफिट है। तो आसिफ ने बोला भाई तू इनके चक्कर में मत आना, तू मेरे साथ हो जा बस, तू मेरे पीछे चल बस, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। बोला ठीक है भाई, जैसा तू बोलता है वो वैसा मैं करूँ। तो ये बात हुई, फिर हम लोगों को 1-2 घंटा लगे, थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अच्छा सा होटल मिल गया जिसके अंदर गर्म पानी था, सब कुछ अच्छी सुविधाएं थी, वो आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हो, काफी अच्छा होटल था। तो हम लोग पूरी नाइट पूरा दिन भर वहां पे रुके और दूसरे दिन हम लोग शिमला के लिए घूमने के लिए निकले। मॉल रोड वगैरह जितने भी है आसपास की मंदिरें हो गई या फिर पार्क गार्डन वगैरह हो गए। लेकिन गाइस आपको एक बात याद रखना है, क्योंकि होटल वालों से पूछ लेना, क्योंकि होटल वालों ने हमें बताया था कि 12 घंटे के हिसाब से आपका चार्ज लगेगा, क्योंकि हम लोग तो समझ रहे थे 24 आवर के लिए, लेकिन शिमला में सिर्फ 12 आवर के लिए आपको रूम मिलता है। तो आप लोग जब भी होटल लो तो पहले उन लोगों से पूछ लेना कि भाई किस हिसाब से चार्ज लोगे, कितने बजे तुम लोग खाली कराओगे, क्योंकि हर होटल का मुझे ऐसे लगता है कि सबका अलग अलग अपना एक रूल्स है। तो आप उनसे पूछना, उसके बाद आप होटल के अंदर रूम लेने का। अब जब हम लोग शिमला पहुंच गए, हमने रेस्ट कर लिया, फ्रेश होके हम लोग नाइट पर आराम से रेस्ट किया, तो ताकि बहुत सारी थकान दूर हो चुकी थी, और हम लोग निकले शिमला को सुबह घूमने के लिए। मॉल रोड वगैरह ये सब घूमने के बाद हमें पता लगता है शाम को 4 बजे कि मनाली के अंदर स्नोफॉल हो रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हम लोग बहुत खुश हुए और जल्दबाजी के चक्कर में हम लोगों ने फटाफट बैग पैक किया और निकलने लगे शिमला से। शिमला से जब हम लोग निकले तो ऐसे समझ लो शिमला से जो मनाली का जो सफर है ना, वो ऐसे मान लो कि हम लोगों से जयपुर से शिमला तक आए वो इतना टाइम नहीं लगा जितना टाइम हमें शिमला से मनाली तक पहुंचने में लग गया। बहुत स्लो बसें चलती है और बहुत ही हाइट पे बसें चलती है, और कभी कभी तो ऐसे लगता है कि वो पहाड़ों को देख के कि अगर थोड़ा सा भी गलत हो गया तो हम लोग मतलब मौत के मुंह में चले जाएंगे। तो बहुत अच्छा मजा आता है, बहुत अच्छा सफर होता है शिमला से जो मनाली का होता है, जो पहाड़ों और जो वादियों में जो बसें चलती है, बहुत ही खूबसूरत नजारा, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन हमारे साथ एक मसला क्या हुआ, हमारे साथ एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि जब हम लोग शिमला से मनाली के लिए निकले थे
तो वहां पे पता लगा कि कुल्लू के आसपास में रास्ते बंद कर दिए गए और जो भी मनाली जा रहा है उनके रास्ते उनको कुल्लू के अंदर उतार लिया जा रहा है। तो मैं बोल रहा है यार ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो उसी बस में हम लोगों को एक मलिक भाई मिले जिन्होंने हमारी बहुत बहुत ज्यादा हेल्प की। और अगर मलिक भाई आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना तो आपको बहुत बहुत ज्यादा बहुत बहुत शुक्रिया और लव यू, क्योंकि आप अगर न होते ना तो ऐसे समझ लो मनाली के अंदर हम लोग होटल नहीं ले पाते और काफी अगर हम लोग ले भी लेते ना तो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। जो हमारे मलिक भाई थे उन्होंने बस के अंदर ही होटल का हमारा इंतजाम करवा दिया था जब हम शिमला से मनाली की तरफ जा रहे थे। वो बोला भाई तुम टेंशन मत लो, मैंने आप लोगों का होटल तरतीब करवा दिया है। क्योंकि मलिक भाई के जो रिलेशन वाले हैं वो मनाली के अंदर काफी दुकानें उनकी, तो उनकी थोड़े मनाली में थोड़ा होटल वालों से जान पहचान अच्छा है, तो हमें होटल मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब हुआ क्या, होटल तो हम लोगों ने बुकिंग करवा ली थी क्योंकि होटल का तो हम टेंशन खत्म हो गया था कि भाई हमें मनाली में होटल लेना पड़े। तो अब बाद में पता लगा कि सच में कुल्लू के अंदर हमें लोगों को उतार लिया गया कि यहाँ से बस आगे नहीं जाएगा तो आप लोग कुल्लू में स्टे करो। अब भाई कुल्लू में कैसे स्टे कर सकते हो, रात के बज रहे 11 या 12 बज रहे और वहां पे हो रही बहुत भयंकर बरसात, हम लोग सर्दी लग रही है और काफी गीले हो चुके थे। तो मैं आसिफ को बोला आसिफ भाई क्या करें, तो आसिफ भाई और मलिक भाई बोले कि तुम लोग इधर रुको हम लोग जाते थोड़ा कुल्लू के अंदर होटल होटल देखते। तो वो गए और 1-1.5 घंटा उनको होटल देखने में लग गया और थोड़ा एक ठीक ठाक सा होटल मिला हमें, होटल नहीं बोल सकते उसे, एक हमें वो होटल होटल तो कम था लेकिन एक धर्मशाला टाइप में कुछ हमें मिल गया था कुल्लू के अंदर। तो हम लोगों ने स्टे नाइट स्टे वहीं पे किया, हम लोगों ने रात वहीं पे गुजारी, वहीं पे खाना वाना खाया क्योंकि कुल्लू के अंदर लेट ज्यादा हो गए थे, बरसात भी आ रही थी, होटल भी बंद थे। तो मैंने देखा कि चाचा होटल बंद कर रहा है खाने वाला, तो मैंने उस चाचा से रिक्वेस्ट की, मैं बोला चाचा जी हम लोग इतनी दूर से आए और खाना भी नहीं खाया है और हम लोग ऐसे ऐसे फंस गए। तो बेचारा चाचा ने हमारी बहुत हेल्प की, उन्होंने हमें गर्म रोटियां बना के दी, आलू की सब्जी बना के दी, ये सब लेके हम लोग होटल पहुंच गए और सबने खाना खा के सो गए। तो जैसे तैसे करके लेके हम लोगों ने कुल्लू में नाइट गुजारी। वो तो सुबह होने के बाद पता लगा कि 10 बजे के करीब के भाई रास्ते खोल दिए गए मनाली के, तुम लोग निकल जाओ फटाफट। तो मलिक भाई हम लोग मनाली की बस हमें मिल गई थी कुल्लू से, तो हम लोग मनाली पहुंच गए थे। मनाली से 3-4 किलोमीटर पहले हमको उतार दिया गया क्योंकि सर्दियों में क्या दिक्कत आएगी आपको, अगर आप सर्दियों में अगर घूमने के लिए जा रहे हो मनाली दिसंबर या जनवरी में, तो आपको ऐसे समझ लो पैदल जो यात्रा है ना वो आपको ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि बर्फ की वजह से बसें जो आगे नहीं जा पाती है, और अगर आप टैक्सी लोगे ना वो काफी एक्सपेंसिव है, कोई 3,000 रुपये लेता है, कोई 4,000 रुपये लेता है, तो ऐसे समझ लो वो बजट से ओवर हो जाता है। तो हम लोगों ने जो 3-4 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग मनाली के मोल रोड के पास में पहुंचे जहाँ पे हमारा होटल बुकिंग था पहले। अब होटल में जाने के बाद मलिक भाई को हमने अल्लाह हाफिज बोला और उनका बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा किया कि मलिक भाई ऐसा है वैसा है। मलिक भाई बोला ठीक है कोई टेंशन हो तो आप लोग हमें कॉल कर देना। मलिक भाई शायद वहां पे स्टे किए थे 2-3 दिन तो हमें कोई दिक्कत तो हुई नहीं, फिर अभी बातें होती है मलिक भाई से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से हमें होटल मिला था। तो फिर मनाली पहुंचने के बाद वही आपको पता है मनाली जब पहुंच गए तो थक गए थे, वही सोना खाना पीना, उसके बाद दूसरे दिन हम लोग घूमे। तो ये था हमारा मनाली का घूमने का एक, हमने मैंने आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बता दी कि मैं कैसे 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 हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। लेकिन अगर आप सर्दियों में मनाली घूमने के लिए जा रहे हो तो कम से कम बजट आप थोड़ा ऊपर लेके चले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बर्फ के अंदर हम लोग फंस जाते हैं तो खाने पीने की जो चीजें है, जो रहने की जो चीज जो रहने का जो साधन होते हैं काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और ये रियल में है, ये मैंने देखा है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत बजट ऊपर लेके जाए। तो गाइस ये थी हमारी जर्नी जो हम लोगों ने जयपुर से मनाली कुल्लू शिमला ऐसे हम लोग पहुंचे मनाली, और ये सफर हम लोगों ने बहुत इंजॉयमेंट किया, बहुत खूबसूरत नजारे देखने को मिले। लेकिन गाइस आपको जिंदगी में एक बार हमेशा एक एक टूर तो आप लोगों को मनाली का करना चाहिए ताकि आप लोगों को पता लगे कि मनाली लोग इतना पसंद क्यों करते हैं, लोग क्यों जाते हैं। वाकई मनाली एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने के बाद दिल बहुत खुश हो जाता है, और जो जो हमारे दिलों के अंदर जो परेशानी होती है ना वहाँ जाने के बाद आप लोग उससे दूर हो जाओगे, आपको नहीं लगेगा कि हम लोग कहाँ पे आ गए। और इंडिया वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छी जगह घूमने की है वहाँ पे। अगर आप जाना चाहो तो मसूरी चले जाओ, दार्जिलिंग चले जाओ, लेकिन जो मनाली का जो एक अपना एक अलग वो है, जो टोरा है मनाली का अपना एक अलग, वो उसको हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, हम लोग बहुत घूमे
और अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो। और मनाली शिमला के जो ब्लॉग है वो मैंने बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दिया है, आप जाके मेरे ब्लॉग देख सकते हो। और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और दुआओं में याद रखना।